हेलो एवरीवन, डीआरएक्स हेल्थ एंड ब्यूटी फैमिली में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज भी इस वीडियो में हम एक ऐसे सिरप के बारे में बात करने वाले हैं जिसका इस्तेमाल तनाव, थकान, कमजोरी एवं भूख ना लगने जैसी समस्याओं के इलाज के लिए किया जाता है। गाइस, इस सिरप का नाम है बीटोनिन। आज इस वीडियो में हम बीटोनिन सिरप के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं, जैसे इसको कौन सी कंपनी बनाती है, इसका प्राइस क्या है, इसका कंपोजिशन क्या है और इसके इस्तेमाल से क्या क्या फायदे एवं नुकसान होते हैं, इसका डोज क्या होगा तथा इसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए जिससे आपको बेस्ट रिजल्ट मिल सके। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें एवं वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। बीटोनिन सिरप को एबॉट इंडिया लिमिटेड के द्वारा मार्केट में बेचा जाता है और यह 200 ml का सिरप आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर 160 रुपए में मिल जाती है। बीटोनिन सिरप के कंपोजिशन के बारे में बात करें तो इसमें निकोटिनामाइड, जिसको विटामिन B3 कहते हैं, 45 mg, पायरिडॉक्सिन B6 1.5 mg, साइनोकोबलामिन विटामिन B12 5 mcg, जिंक 10 mg एवं लाइसिन हाइड्रोक्लोराइड 100 mg इच 15 ml की पोटेंसी में इस्तेमाल किया गया है। आइए जानते हैं बीटोनिन सिरप के इस्तेमाल से आपको क्या क्या फायदे होते हैं। बीटोनिन सिरप एक अपेटाइट स्टिमुलेटिंग टॉनिक है जो आपकी भूख को बढ़ाने में सहायता करती है तथा यह सिरप मल्टीविटामिन और एंटीऑक्सीडेंट से परिपूर्ण होता है जो आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करती है। इसमें मौजूद विटामिन तनाव, थकान, कमजोरी को दूर करते हैं और आपके शरीर में इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं जिससे आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। इसमें मौजूद लाइसिन और जिंक आपके शरीर में ऊर्जा के स्तर को बनाए रखने में सहायता करते हैं। आइए जानते हैं बीटोनिन सिरप के इस्तेमाल कैसे करना चाहिए तथा इसका डोज क्या होगा। बीटोनिन सिरप शुगर फ्री है इसलिए इसका इस्तेमाल डायबिटिक पेशेंट भी कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल 6 वर्ष से अधिक के बच्चे भी कर सकते हैं और एक वयस्क व्यक्ति 10-15 ml खाना खाने से 30 मिनट पहले दिन में 2 बार कर सकता है या अपने डॉक्टर के दिशा निर्देशों के अनुसार कर सकता है। बीटोनिन सिरप के साइड इफेक्ट की बात करें तो सामान्यतः इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, फिर भी इसके इस्तेमाल से उल्टी, दस्त, पेट में दर्द जैसी समस्या हो सकती है। यदि ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें और इसका इस्तेमाल अपने डॉक्टर के सुपरविजन में करें। यदि आपके कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। गाइज, आशा करते हैं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि दवाओं से संबंधित जानकारियां हमेशा आपको मिलती रहें। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।